संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। किसान समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का ट्वीट, लिखा संयुक्त किसान मोर्चा की उठाई गई मांगों पर पीएम मोदी को जल्द बैठक बुलानी चाहिए। लखनऊ में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा अभी आंदोलन वापस नहीं होगा, एमएसपी गारंटी कानून लाना होगा, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो। लखनऊ में किसान महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत का ऐलान, कहा बिलराया चीनी मिल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि को नहीं बदला गया तो मिल के गेट पर किसान करेंगे आंदोलन। कल उद्घाटन में अजय मिश्रा टेनी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर 26 नवंबर को दिल्ली में बड़ी भीड़ जुटाने की कवायद। पंजाब में किसान नेता गांव गांव में कर रहे हैं बैठक। 25 नवंबर को बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक और कारों का काफिला दिल्ली कूच करेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले कुछ किसानों की मांग पर पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिया, अब किसानों को आंदोलन जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, फिर भी आंदोलन जारी। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्य अनिल घनावत ने एमएसपी पर गारंटी कानून को खतरनाक बताया है, कहा कानून बना तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी किसान मोर्चा की आज बागपत में ट्रैक्टर रैली, सांसद सत्यपाल सिंह और रामकुमार सहरावत शामिल होंगे, किसानों को सरकार की योजनाओं की देंगे जानकारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी पर साधा निशाना, फिर बताया बीजेपी का चाचा, बोले ओवैसी और बीजेपी चाचा भतीजा है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की कृषि कानूनों की तरह सीए कानून वापस लेने की मांग, कहा कानून वापस लें पीएम मोदी, संसद में उठाएंगे मांग, धर्म के आधार पर कैसे बना सकते हैं कानून। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा ओवैसी यूपी चुनाव को देखते हुए लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनका हर जगह शाहीन बाग बनाने का सपना अधूरा ही रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन यूपी जारी, आज कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में देंगे जीत का मंत्र, कानपुर के साथ सात जिलों के दफ्तरों का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में कोर कमेटी की बैठक हुई, प्रदेश के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। नड्डा ने गोरखपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों में भरा जोश, कहा गलत लोग शासन में आ जाएं तो विकास से विनाश हो जाता है, राजभर समुदाय के कार्यकर्ता के घर भोजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का फिर जिन्ना वाला तंज, बोले यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव पर देश के साथ दुनिया की नजर, क्योंकि एक तरफ मोदी का नेतृत्व तो दूसरी तरफ आतंकी समर्थक जिन्नावादी हैं। गोरखपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और प्रवीण निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी से मुलाकात की, सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। और आइए कुछ और अहम खबरों पर आपको अपडेट दे देते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेंगे, 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भी नहीं बनी चाचा भतीजे में बात, लखनऊ में बेटे अखिलेश के मंच पर पहुंचे मुलायम, सैफई में भाई शिवपाल ने अकेले काटा केक, पहले दोनों ने चुनाव में साथ आने के संकेत दिए थे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाने पर शिवपाल यादव की धमकी, बोले अगर गठबंधन पर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो एक हफ्ते के अंदर लखनऊ में करेंगे अपनी पार्टी का सम्मेलन। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन, अलीगढ़ में मुलायम के लिए केक काटा गया। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव की किताब राजनीति के उस पार का विमोचन आज, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। मिशन पंजाब पर मोगा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने दिया देंगे 1,000 रुपए, चन्नी का नाम लिए बिना बोले पंजाब में घूम रहा है नकली केजरीवाल। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज, एक मंच पर दिखे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सिद्धू ने चन्नी की जमकर तारीफ।
लुधियाना से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, कहा पंजाब के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, केबल माफिया को भी करेंगे खत्म। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, पांच राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल हुए। महंगाई को लेकर दिल्ली में रैली पर चर्चा हुई, हालांकि अभी रैली की तारीख तय नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का फिर विवादित बयान, कहा मोदी सरकार के पिछले 7 साल में शांति की बात नहीं हो रही है, अमेरिका की गुलाम बनी सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार का भारी विरोध के बाद विवादित 3 राजधानी विधेयक वापस लेने का फैसला, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया, सुधार के बाद फिर लिया जाएगा बिल। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। दिल्ली पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कल पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी से मुलाकात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा हिंसा के मुद्दे पर बातचीत करेंगी। टीएमसी की यूथ प्रेसिडेंट शाइनी घोष को त्रिपुरा की कोर्ट से मिली जमानत, हत्या की कोशिश के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। त्रिपुरा की लड़ाई पर दिल्ली में संग्राम, बीजेपी टीएमसी के बीच बढ़ते बवाल को लेकर टीएमसी के सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उससे पहले सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर धरना भी दिया। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा हमने अमित शाह के सामने लिखित में बातें रखी हैं, गृहमंत्री ने त्रिपुरा के सीएम से मामले पर रिपोर्ट लेने का आश्वासन दिया है। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, टीएमसी ने त्रिपुरा सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा त्रिपुरा में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, खुद को बचाने के लिए झंडा बीजेपी का उठाओ लेकिन वोट टीएमसी को दो। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बोले हमारी सरकार की सख्ती की वजह से ड्रग्स के किंग पिन पश्चिम बंगाल में जाकर छिपे हुए हैं, ममता सरकार उन्हें बचा रही है। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर, रामायण एक्सप्रेस के सर्विस स्टाफ की भगवा ड्रेस पर विवाद के बाद आईआरसीटीसी ने बदला ड्रेस कोड, भगवा ड्रेस पर संतों ने उठाई थी आपत्ति। अगले 48 घंटे में सामने आ सकता है मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई है रोक, कोर्ट ने परमवीर के खिलाफ सभी मुकदमों को रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 दिसंबर तक टली। बॉम्बे हाईकोर्ट से मानहानि केस में एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े को लगा झटका, नवाब मलिक की तरफ से दस्तावेज जारी करने और बयान देने पर रोक से इनकार, 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का ट्वीट, लिखा गलत कामों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, सत्य में विजयते। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक शेख ने भी समीर वानखेड़े के कथित निकाह से जुड़ी तस्वीरें ट्वीट की, जवाब में समीर वानखेड़े के पिता ने पूजा करती तस्वीरें शेयर की, कहा मानते हैं हिंदू धर्म। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल से मंजुदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है, कंगना रनौत पर कार्रवाई की मांग की गई। बिहार में फिर निकला चारा घोटाले का जिन, पटना में सीबीआई कोर्ट में आज पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की होगी पेशी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।